इंडिया पर इस वक्त यूपी के भदोही जिले से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के स्कूल के प्रिंसिपल की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद जिले से लेकर प्रदेश तक सनसनी फैल गई है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, क्या मामला है ये? कौन वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके स्कूल के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और इस दौरान क्या कोई पुलिस का बयान आया है सामने? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश के भदोही से इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी जानकारी आ रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता के कॉलेज के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताते हैं, बाइक सवार दो असलाहधारी बदमाश आते हैं, गाड़ी को रुकवाते हैं और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। साथ ही जो उनके गाड़ी का टायर था उस पर भी फायरिंग कर देते हैं। इस गोलीबारी में प्रिंसिपल की मौत हो जाती है। जैसे ही इसकी खबर अन्य शिक्षकों को पहुंचती है, तमाम शिक्षकों का जमावड़ा जिला अस्पताल में लग जाता है और पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाता है। अभी तक फिलहाल पुलिस के किसी भी अधिकारी का कोई ऐसा बयान नहीं आया है और ना ही ये पता चल सका है कि आखिर प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या क्यों की गई है। बड़ा अहम बात है कि आखिर प्रिंसिपल से किस बात की दुश्मनी थी, किसने ये गोलीकांड को अंजाम दिया है। अब पुलिस के सामने ये तमाम ऐसे विषय हैं, तमाम ऐसे बिंदु हैं जो चुनौती बन गए हैं। फिलहाल भदोही के शहर कोतवाली क्षेत्र के बसावनपुर तालाब के पास यह वारदात होनी बताई जा रही है और जो प्रिंसिपल हैं वो नेशनल इंटर कॉलेज के 55 वर्षीय योगेंद्र बहादुर सिंह, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जो कॉलेज है उसका नाम है इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज। यहाँ ये रोज की भांति आज सुबह स्कूल के लिए कॉलेज के लिए निकले थे, तभी जो है इनका कार चालक जो ड्राइवर था वो गाड़ी को चला रहा था और सुबह करीब कार जब इनके घर से निकली, कुछ ही दूर पर पहुंचते ही इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई और जिससे इन्हें घायल अवस्था में जो है लाया गया MBS हॉस्पिटल है यहां लाया गया था, लेकिन यहां पर इनकी मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह भी जवानों के साथ यहां पहुंच गए हैं। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है, कारणों का पता लगा रही है कि आखिर ये कारण क्या रहा, इनकी क्यों गोली मारकर हत्या की गई है, ये पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल इसको लेकर शिक्षकों में भी रोष है, शिक्षक ये पता करने में जुट गए हैं कि आखिर ये हत्या क्यों की गई, किसने अंजाम दी है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी इंडिया को मिल रही है उसके मुताबिक अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये हत्या क्यों हुई है। ये अपने आप में एक विषय है और जो भाजपा नेता हैं वो पार्टी के इस समय पदाधिकारी हैं काशी क्षेत्र के, और उनका ये अपना कॉलेज था, यहीं के ये प्रिंसिपल थे और इस तरीके से दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद निश्चित तौर पर विपक्षी दलों के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आ जाएगी। कुछ ही देर बाद बयानबाजी भी शुरू होगी, क्योंकि जो कानून का राज बताया जाता है, जो कानून के राज की दावे किए जाते हैं, उस सरकार में दिन दहाड़े किसी प्रिंसिपल को इस तरीके से उनकी हत्या कर दी जाए तो अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है और उस पुलिस के सामने भी चुनौती है जो योगी की पुलिस इनकाउंटर की स्पेशलिस्ट मानी जाती है और वो ये बताती है, ये दावे करती है कि अपराधियों पर वो कहर बनकर टूट रही है, लेकिन दिन दहाड़े इस तरीके से किसी प्रिंसिपल की हत्या होना अपने आप में बड़ा सवाल है, कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी के भदोही जिले से, जहां बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के जो इंटर कॉलेज है इंद्र बहादुर सिंह इंटर कॉलेज, उसके प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और दिन दहाड़े हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई है, तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, पुलिस को खुला चुनौती दिया है बदमाशों ने। बताया जा रहा है कि जो योगेंद्र बहादुर सिंह प्रिंसिपल थे वो कार से सुबह कॉलेज जा रहे थे, अचानक से बाइक, जी जी सर,
प्रांशु, एक अहम सवाल आपने जो किया था, ये भाजपा के नेता आखिर कौन है जिनके कॉलेज के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या की गई है? तो अभी अपडेट आ चुकी है, भाजपा काशी प्रांत के मंत्री हैं आशीष सिंह बघेल, इन्हीं का कॉलेज है और इन्हीं के प्रिंसिपल थे, इन्हीं की गोली मारकर हत्या की गई है जो अब तक जानकारी मिल रही है। कॉलेज है इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज, इनके प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या की गई है। और आपको बता दें कि भदोही कोतवाली के अमिलौरी निवासी प्रधानाचार्य बताए जा रहे हैं जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है, योगेंद्र बहादुर सिंह, जिनकी उम्र 56 साल होनी बताई जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि चालक जो है इनका संतोष, वो बीते 20 सालों से उनके साथ ही था, अपने आप में पुराना चालक है जिसके सामने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया है उन हमलावरों ने, और टायर पर भी गोलियां चलाई गई हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये प्रिंसिपल अपने घर से सिर्फ 700 से 800 मीटर की दूरी पर बसावनपुर स्थान पड़ता है, यहाँ पर पहुंचे थे। इसी बीच बताया जाता है कि बाइक सवार दो हमलावर आए और हाथ में मोबाइल लिए थे, सामने से आते दिखाई दिए, दोनों उनकी कार को हाथ देकर रोका और कार का शीशा खोलकर उन्हें मोबाइल लेने की बात कही। और इसके बाद प्रधानाचार्य ने जैसे ही कार का शीशा खोला, दोनों बदमाशों ने एक के बाद एक 10 गोलियां उनके सीने में उतार दी। अपने आप में बड़ा सवाल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि जो हमलावर थे उन्होंने कोई फोटो दिखाई है, अब ये फोटो देखने की बात कही, ये कौन सी फोटो है, किसकी फोटो है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन पुलिस का ये दावा है, चूंकि बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया है, वो बहुत जल्द उनकी गिरफ्त में होंगे। अब देखना होगा कब तक बदमाश उन्हें पकड़ पाते हैं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। फिलहाल शिक्षकों में जबरदस्त आक्रोश है और वो जमा होने लगे हैं, और पुलिस की तरफ सख्त की निगाहें हैं कि आखिर हमलावर कौन थे, कब वो पकड़ में आएंगे और घटना को क्यों अंजाम दिए। जी बिल्कुल, तो आशीष सिंह बघेल जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका इंटर कॉलेज इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज है और उसके प्रिंसिपल थे योगेंद्र बहादुर सिंह। वह अपने घर से कार द्वारा कॉलेज जा रहे थे कि अचानक से बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पूरे जिले से लेकर प्रदेश तक सनसनी फैल गई है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए हैं, जांच पड़ताल भी कर रहे हैं और पुलिस ने जल्द ही जो है जो बदमाश है उनको पकड़ने का दावा भी किया है। फिलहाल अब देखना होगा कि कितनी जल्दी पुलिस इन बदमाशों को पकड़ पाती है। अभी भारतीय जनता पार्टी पर नेता भी हमलावर होंगे, कुछ ही देर में नेताओं के बयान आने लगेंगे और इस घटना के बाद जो शिक्षक हैं भदोही के खासकर उनमें जबरदस्त आक्रोश और रोष भी है। आगे की क्या अपडेट होगी वो भी इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। और सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डायल 112 की सूचना मिली कि यहाँ पर एक योगेंद्र जी हैं जो इंटर कॉलेज के, नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वो सुबह सुबह निकले थे और अपने गांव जो अमलौरी से कुछ 200 मीटर दूरी पर अपनी गाड़ी से जा रहे थे अपने ड्राइवर के साथ, तो दो बाइक सवार बदमाश थे, उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका और जब उन्होंने अपने शीशा नीचे किया तो उन पर फायरिंग की है। उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, निकट के हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस ने जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया है, एफएसएल टीम भी आई हुई है, डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है और अलग अलग टीम बना करके पुलिस इस घटना के हर बिंदु हर पहलू पे जांच कर रही है। साथ ही साथ बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। दो की संख्या थी, जैसा कि वो ड्राइवर जो उस गाड़ी में है वो बता रहा था, और यंग लड़के थे और आए थे, उन्होंने ओवरटेक किया और घटना को अंजाम दिया।